वेलकम बैक गाइस, मैं भी एक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चैनल टेक मिनट पे। सो गाइस, आज हमने कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर। सो गाइस, 1 ईयर पहले मैंने मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट की थी, और उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हाउ टू एक्टिवेट विंडोज। सो गाइस, उसमें मैंने टूल किट की मदद से विंडोज को एक्टिवेट किया था, बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, विंडो एक्टिवेट नहीं हो रहा, अभी भी मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। सो गाइस, आज मैंने डिसाइड किया मैं आपको कुछ ऐसी 2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको जो विंडोज है 110% जो एक्टिवेट होने वाला है, और वो जो भी लोग जिनका एक्टिवेट नहीं हो पाया विंडो, उनका विंडोज जो है वो आज 110% एक्टिवेट होगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जो मेरा विंडोज़ है वो डीएक्टिव है अभी तक। सो गाइस, जैसे सेटिंग में देख सकते हैं जो विंडोज़ इज नॉट एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, और अगर एक्टिवेशन में आता है तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज़ इज नॉट एक्टिवेटेड। तो गाइस, अगर आपको स्टार्ट करना है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है CMD, वो भी रन एज एडमिन। तो गाइस, अगर आपको CMD चलाना है तो आपको उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन खोलना ही पड़ेगा, और उसके बाद मैंने जो कोड लिखा है डिस्क्रिप्शन में अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको सिंपली उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट कोड है उसको कॉपी पेस्ट करना है। सो गाइस, फर्स्ट कोड है SLMGR वाला जो कोड है उसको आपको कॉपी और सिंपली आपको जो पेस्ट वो है कर देना है आपके CMD के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले मैं करता हूँ इसको कॉपी Ctrl+C, या फिर आप सिंपली राइट क्लिक से कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है CMD में, पेस्ट इट एंड एंटर आपको दबा देना है, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल प्रोडक्ट की इज सक्सेसफुल। सो गाइस, आपकी जो प्रोडक्ट की है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, और आपका जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो गया है। बट गाइस, आपको जो बाकी के 2 कोड है उसको भी आपको रन करना ही है। सो गाइस, नेक्स्ट को भी आप कॉपी कर लीजिए और उसको भी आप सेम प्रोसेस की तरह पेस्ट कर लीजिए। सो गाइस, गलती से मैंने डबल एंटर क्लिक कर दिया तो पेस्ट नहीं हो रहा, तो अगेन एक बार ट्राई करते हैं, एक बार एंटर दबा देते हैं, एंटर कॉपी। सो गाइस, सॉरी, इधर मैंने कॉपी नहीं किया, कॉपी करना ही भूल गया। सो गाइस, अगेन एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और उसको सिंपली एक बार हम पेस्ट कर देते हैं, एंटर पेस्ट। सो गाइस, अब आपको अगेन कॉपी करना है और सिंपली आपको एक बार फिर से इस कोड को पेस्ट कर देना है, और अगेन आपको एंटर को क्लिक कर देना है। सो गाइस, इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मैनेजमेंट सर्विस नेम मशीन सक्सेसफुली। सो गाइस, ये जो कोड है आपका जो प्रोडक्ट की उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करेगा, और आपकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ा देगा, और आखिरी कोड को आपको फिर से कॉपी एंड उसको भी एक बार अगेन पेस्ट कर देना है। सो गाइस, इसकी मदद से आपको जो है पेस्ट करने के बाद आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप नज़र आएगा, जिसकी मदद से आपका जो पूरा एक्टिवेशन का पीरियड है और जो भी एक्टिवेशन प्रोडक्ट की है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, देख सकते हैं आप, जैसे कि मेरे को प्रोडक्ट की जो इंस्टॉल हो गई है, और नीचे लिखा हुआ गया है कि आपका जो प्रोडक्ट की इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, और इधर दिखा है आपका विंडोज़ का वर्जन, मतलब मेरा प्रो वर्जन है वो, और आपका जो प्रोडक्ट की है वो कब तक चलने वाला है। तो गाइस, ये तो थी ट्रिक 1। अब चेक कर लेते हैं हमारा जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में चलते हैं। तो सो गाइस, इधर आपको जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो गया, और इधर लिखा है विंडोज़ इज एक्टिवेटेड। सो गाइस, अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 2 पे। तो गाइस, अब मैं जो पर्सनल लैपटॉप है उसमें आपको करके दिखाता हूँ मैं ट्रिक नंबर 2। तो इधर आप देख सकते हो जो मेरा विंडोज़ अगेन अनइंस्टॉल्ड, मतलब डीएक्टिव है, और अगेन अगर एक्टिवेशन जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो गाइस, सिंपली आपको अब क्या करना है, आपको अपना कोई भी ब्राउज़र खोलना है, वो चाहे UC हो, ओपेरा हो, या फिर क्रोम हो, उधर आपको जाके लिख देना है bit.ly/windows.txt। सो गाइस, अगर आप ये लिखते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा एक पेज आएगा जिसमें बहुत सारे कोड लिखे होंगे। आपको सिंपली उसको Ctrl+C से कॉपी करना है और एक न्यू फाइल बनानी है, और उधर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब Ctrl+V से आपको उधर जो नोटपैड में आपको पेस्ट कर देना है, और उसको आपको बाद में सिर्फ सेव करना है, और आपको सेव एस करना है, और उधर आप को भी नाम दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन जो होगा वो होगा CMD। सो गाइस, ये एस सिंपल एज हम कोई HTML का कोड कॉपी करते हैं, आपको लिख देना है windows.cmd, और आपको अगेन उसको सेव
कर देना है, और उसके बाद आप जाएंगे विंडोज के सेटिंग में, तो उधर आपको। सो गैस उम्मीद है आपने पूरी पूरी वीडियो देख ली होगी। सो गैस आपने देखा कि मैंने किसी भी टूल किट वूल किट का यूज़ नहीं किया, सीधा सीधा विंडोज को एक्टिवेट कर दिया वो बहुत टू इजी स्टेप्स में। सो गैस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ होगा और आपका जो विंडोज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी, या फिर मैं कहूँगा सक्सेसफुली जो क्रैक हो गया होगा। सो गैस ये जो वीडियो है वो बहुत सारे यूजर्स के लिए थी जिनका जो विंडोज एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ईयर पहले जो वीडियो अपलोड की थी मैंने उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके एक नया वर्जन निकाला जाए। सो गैस ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं कमेंट कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करना है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइस टेक विंडो ओवर एंड आउट, जय हिंद वंदे मातरम।